हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक डिज़ाइनर बड़ा वाला दिया बनाना बताएंगे। अभी तक हमने आपको छोटा दिया बनाना बताया था, अब हम आपको बड़ा दिया बनाना बताएंगे। और हम इसमें स्टोन यूज़ नहीं करेंगे, बस हम स्केच पेंस यूज़ करेंगे। ये हमने इसकी लेंथ एंड ब्रेथ नापने के लिए स्केल लिया है, आप इंच टेप भी ले सकती है। और ये हमने सीजर लिया और एक ब्लैंक शीट। अब हम दिया काटेंगे, हम डायरेक्ट ब्लैक पेन से काटेंगे, ब्लैक स्केच से। हमने आपको दिया बनाना तो पहले वैसे पहले भी बता रखा है वीडियोस में, आप हमारी उन वाली वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको दिया बनाना देखना है तो। अब हम यहाँ पे येलो कलर करेंगे। हमने इसमें येलो कलर करके कंप्लीट कर लिया है। देन हम इधर रेड कलर करेंगे। अब हमारा इधर पूरा कलर हो चुका है, अब हम इधर करेंगे। अब हमने यहाँ पे भी कर लिया है। अब हम स्केल की मदद से बिल्कुल इसके सेंटर में एक लाइन खींचेंगे। और इससे आधे इंच को सा गैप देके एक और लाइन खींचेंगे। एंड देन उसमें कुछ इस तरह का इसे डिज़ाइन देंगे। अब हम जो हमने डिज़ाइन दिया है एक साइड ग्रीन करेंगे, देन एक साइड ऑरेंज, फिर से हमें ग्रीन करना है, फिर से हमें ऑरेंज करना है। जितने भी ऊपर वाले हों सब में हमें ग्रीन करना है, पहले हम उनमें करेंगे। अब हम ऐसे इसमें ग्रीन कलर करके तैयार करेंगे। हमने ग्रीन कर लिया है, अब हम ऑरेंज भी करके तैयार करेंगे। अब
अब हम यहाँ पे पिंक कलर करेंगे। अब हम इस वाले एरिया में पिंक कलर करके तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ पिंक कलर करके तैयार कर लिया। जो हमारी ये वाली ऊपर वाली टिप है, इस पर हमें थोड़े से ही बीच में रेड कलर करना है। जिससे कि हमारी और सुंदर लगेगी। और अब हमें नीचे वाले में भी पिंक ही कलर करना है। अब हमने इसमें पिंक कलर करके तैयार कर लिया है। अब जो हमारे ये वाली स्ट्रिप है नीचे वाली, इसमें हमें ब्राउन कलर करना है। अब हमने इसमें ब्राउन कलर करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे आपको कट करना बताएंगे। पहले हम इसे यहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे मोतियों से डेकोरेट कर सकते हैं। हमने आपको मोतियों से डेकोरेट करना अपनी पहली दोनों वीडियोस में बता रखा है। आप हमारी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमने जो ब्लैक पेन से आउटलाइन की हुई है, उसी के ऊपर काटना है। जो हमने और कलर किए हैं उनमें ना कट जाए, चाहे ब्लैक लाइन ना दिखाई दे, पर वो कलर नहीं कटना चाहिए। अभी हमारा दिया कट के तैयार हो चुका है। अब ये देखिए, हमारा दिया आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे किसी क्लास डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे कहीं वॉल पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।